आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक, तीन राज्यों में जीतकर पीएम मोदी के सम्मान की तैयारी। तेलंगाना में आज दोपहर 1 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण। तेलंगाना के तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे रेवंत रेड्डी। कांग्रेस आलाकमान के शामिल होने की भी संभावना। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का आज हनुमानगढ़ में होगा अंतिम संस्कार। सुखदेव की पत्नी शीला शेखावत ने सड़क पर उतरने का अल्टीमेटम दिया है। गोगामेड़ी हत्याकांड में पत्नी शीला ने दर्ज कराया मुकदमा। FIR में अशोक गहलोत और DGP के नाम का भी जिक्र। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी शीला शेखावत ने सीएम गहलोत पर लगाया है बड़ा आरोप। कहा सीएम और पुलिस महानिदेशक ने जानबूझकर नहीं दी सुरक्षा। कतर में मौत की सजा पाने वाले 8 भारतीयों पर आज अहम सुनवाई। दुबई में अमीर तमीम बिन अहमद से पीएम मोदी की मुलाकात के बाद ये सुनवाई हो रही है। भारत पर हमले की चीन की साजिश का पर्दाफाश। तिब्बत और अरुणाचल के लोगों के बीच फैला रहा था फेक न्यूज। 7 फेसबुक ग्रुप्स और 13 अकाउंट्स फेसबुक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तमिलनाडु में मिट्रॉन तूफान से भारी तबाही देखने को मिल रही है। चेन्नई में 80 घंटे से बिजली ठप, इंटरनेट भी बंद। फंसे हुए लोगों तक वायुसेना के हेलीकॉप्टर से पहुंचाई जा रही है राहत। कल उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का करेंगे उद्घाटन। कई बड़े उद्योगपति होंगे शामिल। अब आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी टॉप 9 बड़ी खबरें। राजस्थान में शक्ति प्रदर्शन के बाद वसुंधरा राजे को दिल्ली से आया बुलावा। पार्टी हाईकमान के साथ होगी बैठक। मुख्यमंत्री पद को लेकर हो सकती है चर्चा। 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेकर बीजेपी में अब भी मंथन जारी। बुधवार को गृहमंत्री शाह ने पीएम मोदी से की मुलाकात। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की आवाज पर INDIA गठबंधन की बैठक। समाजवादी पार्टी, JDU और आम आदमी पार्टी समेत 17 दलों के नेता हुए शामिल। 2024 के चुनाव की रणनीति पर चर्चा। INDIA की बैठक को लेकर ममता बनर्जी का बयान। बोली, पहले से नहीं दी गई मीटिंग की जानकारी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती का बड़ा बयान। बोले, समाजवादी पार्टी की वजह से हारी कांग्रेस। अमित शाह ने सदन में गिनाई जवाहरलाल नेहरू की 2 बड़ी गलती। कहा, पहला पूरी जीत से पहले सीजफायर, दूसरा UN में गए। अमित शाह के 2026 तक आतंकवाद मुक्त कश्मीर वाले दावे पर फारूक अब्दुल्ला का पलटवार। बोले, इतनी फौज होने के बावजूद मारे जा रहे हमारे जवान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, विपक्ष का आत्मविश्वास खत्म। INDIA गठबंधन भी टूटा। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीते बीजेपी नेताओं ने छोड़ी सांसदी। नरेंद्र तोमर, प्रहलाद पटेल और दिया कुमारी समेत 11 सांसदों ने दिया इस्तीफा। और आइए आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखा देते हैं राज्य से जुड़ी हुई टॉप 9 खबरें। रामलला की मूर्ति के चयन समिति के अध्यक्ष गोविंद देवगिरी का बयान। कहा, 15 दिसंबर तक तैयार हो जाएगी रामलला की मूर्ति। राम मंदिर रामलला प्राण प्रतिष्ठा के लिए 7,000 लोगों को किया गया है आमंत्रित। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन को भेजा गया है निमंत्रण। दिल्ली के स्कूल्स में विंटर की छुट्टियां कम हुई। सभी स्कूल्स में 1 जनवरी से 6 जनवरी 2024 तक बंद रहेंगे स्कूल्स। अवैध संपत्ति की आशंका में माफिया अतीक अहमद के खिलाफ एक्शन की तैयारी में सरकार। अतीक और उसके रिश्तेदारों के खंगाले जाएंगे बैंक अकाउंट्स। पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिहार प्राथमिक शिक्षक बहाली में BEd टीचर्स की नियुक्ति रद्द। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में 2 गुटों में जमकर बवाल के बाद फायरिंग हुई। रास्ते से गुजर रही MBBS की छात्रा को गोली लगी। 1 आरोपी को किया गया है गिरफ्तार। हरियाणा के यमुनानगर में जहरीली शराब से 18 लोगों की मौत के बाद सील हुआ ठेका फिर से खुला। महिलाओं ने किया जमकर प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के रतलाम में 2 बाइक्स की भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 घायल। फिल्म निर्माता जय पटेल ने दलाई लामा से मुलाकात की। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस के मौके पर मिले। आइए अब आपको दिखाते हैं इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी टॉप 9 बड़ी खबरें। गाजा पट्टी के खान यूनिस में इसराइल का ग्राउंड ऑपरेशन तेज। हमास के आतंकियों पर गोलियां बरसाते दिखे सैनिक, वीडियो जारी। गाजा के खान यूनिस क्षेत्र को घेरने में जुटा इसराइल। फिलिस्तीनी लड़ाकों को निशाना बना रही सेना। दक्षिणी हिस्से को भी खाली करने की चेतावनी जारी।
गाजा के खान यूनिस में इसराइल की एयर स्ट्राइक बमबारी के बाद धुएं का गुबार उड़ता दिखाई दिया। गाजा पट्टी से इसराइल की ओर दागे गए रॉकेट, फिलिस्तीनी लड़ाकों ने किया हमला, हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गाजा पट्टी में हमास पर आईडीएफ की बड़ी चोट, हथियारों का जखीरा बरामद, वीडियो वायरल किया। हमास के आतंकियों को खत्म करने में जुटा इसराइल, आईडीएफ ने की जबरदस्त गोलाबारी, इजरायली टैंकों ने की गोलाबारी। इस्लामिक रेजिस्टेंस का बड़ा दावा, लेबनान की सीमा के पास इजरायली ठिकानों पर किया हमला। लेबनान में इसराइल की भारी बमबारी, आईडीएफ के टैंक ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। और आइए आप देख लेते हैं विदेश की टॉप लाइन खबरें। पाकिस्तान के कराची में शॉपिंग मॉल में लगी आग, पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी आग की चपेट में आई, आग में फंसे 10 लोगों का रेस्क्यू किया गया। रशिया के हमले में यूक्रेन के दो लड़ाके ढेर, रूसी सैनिकों ने लॉन्च की मिसाइल, यूक्रेनी वाहनों को बनाया निशाना। यूक्रेन की सेना ने किया दावा, रूस के कई हथियार डिपो को उड़ाया, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भी बनाया गया निशाना। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने सऊदी क्राउन प्रिंस से मुलाकात की, गाजा और यूक्रेन को लेकर की चर्चा। रूसी फाइटर जेट्स ने दी पुतिन को हवाई सुरक्षा, रक्षा मंत्रालय ने जारी किया स्कॉट का वीडियो। यूक्रेन के क्यू में क्रिसमस के मौके पर जश्न, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। पेरिस को गार्डन सिटी में बदलने की कवायद हुई है तेज, हरियाली को बढ़ाने के लिए 478 पेड़ लगाए जाएंगे। यूक्रेन में दोनियास्क में हुआ बड़ा हमला, रूस के कब्जे वाले इलाके में हुआ है यह धमाका, ऑयल डिपो में लगी है आग।